Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to have a special session for your final assignment of a project. इसमें हम एक सिंपल बैंकिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे. बैंकिंग सिस्टम में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसमें आपके हवाले से बहुत बेसिक चीज़ों को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा और उससे भी बहुत बेसिक एक इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा. आप उसी तरह अपने प्रोजेक्ट को लेके चलें. पहले सिंपल वे में काम कीजिएगा और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, फिर उसमें आप चीजें ऐड करते जाइएगा. अब यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम जो हम डिस्कस करते हैं उसमें काफी चीजें हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है, एक आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक अकाउंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी, अकाउंट ऐड करना या ओपन करना तकरीबन एक ही मानों में आप ले सकते हैं. आप एक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, बैंक का अकाउंट है उसको आप खत्म करना चाहते हैं. वैसे अकाउंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है कि टेम्परेरी तौर पर आप उसको इनएक्टिव करते हैं, यहाँ पर उसको हमने मेंशन नहीं किया. फिर अकाउंट में कोई चीजें आप ऐड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, किसी कस्टमर के अकाउंट में कोई चीज, कोई पैरामीटर, कोई फील्ड आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम अपडेटिंग ऑफ कस्टमर अकाउंट कहते हैं. या इसके अलावा और भी हवाले से आप पैसे इसमें मनी डिपॉजिट करते हैं, पैसे किसी अकाउंट में आप सेम बैंक के आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आप उस बैंक के किसी भी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. ठीक है जी, बैलेंस की इंक्वायरी होती है कि बैलेंस कितना है, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, कब कब हुए हैं, विड्रॉल कब हुए हैं और कितनी हुई है, डिपॉजिट आपने किया है तो कितनी किए हैं और कब कब किए हैं, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन है. इसके अलावा अब यहाँ पे ये जो मैं आपको एप्लीकेशन डेवलप करके दिखाऊंगा, इसमें हम चंद चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें ज्यादा चीजें अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. ठीक है जी. अच्छा, जब हम एक अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर जाहिर बात है आपको नाम की जरूरत पड़ती है, आपको CNIC की जरूरत पड़ती है, आपको एड्रेस की, और बहुत से एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, एक कंप्लीट फॉर्म फिल करना पड़ता है. अब हम चाहते हैं कि कंप्लीट फॉर्म हम फिल पेपर वर्क के बजाय कंप्यूटर पे करें. ठीक है जी, अगर आप पेपर पे भी कोई फॉर्म फिल करते देते हैं किसी बैंक के मैनेजर को या जो करस्पॉन्डिंग पर्सनल है, तो उसने अपने एप्लीकेशन को ओपन करना है और वहां पे तमाम चीजों को, तमाम पैरामीटर को ऐड करना है. ठीक है जी, तो अब जब आप एक अकाउंट बनाते हैं तो आपको मिनिमम कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है. अच्छा, इसकी ज्यादा डिटेल जब आप इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाने जाएंगे तो आप उसी जो इदारे के लोगों से पहले डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, आप रिसर्च करेंगे सारी चीजें, उसके बाद आप एप्लीकेशन बनाएंगे. लेकिन फॉर एग्जांपल, मुझे अगर एक अकाउंट ओपन करना हो, ठीक है जी, तो ज़ाहिर नाम की जरूरत पड़ती है, CNIC की, एज की, ऑक्यूपेशन यानी काम क्या करते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट आपके मुख्तलिफ टाइप को होते हैं, करंट अकाउंट होगा आपके पास, सेविंग अकाउंट या कोई और स्पेशल अकाउंट. ठीक है जी, इनिशियल अमाउंट कम से कम कितनी होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ऐसे पैरामीटर हैं जो हो सकता है मैं आपको इस वक्त डिस्कस ना कर पाए या उसके हमें इंफॉर्मेशन ना हो. अब अपडेट करने में इन्हीं चीजों को आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है जी, या आपकी जो अमाउंट में चेंजिंग आ रही है तो उसको आप चेंज करते जाते हैं कि आपके डिपॉजिट हो गए, पैसे बढ़ गए, पैसे कम हो गए, जिस तरह. ठीक है जी, आप किसी अकाउंट को सस्पेंड करना है या डिलीट करना है, ये भी होना चाहिए. आप पैसे अगर डिपॉजिट करना चाहेंगे तो पहले ये तो हो कि आप पैसे कितने डिपॉजिट कर रहे हैं. जीरो अमाउंट तो आप डिपॉजिट नहीं करेंगे, उससे ज्यादा ही होने चाहिए. ठीक है जी, आप विड्रॉल करना चाहेंगे तो पहले ये चेक करना होगा कि जितने पैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं क्या उसके बराबर है या उससे ज्यादा पैसे अकाउंट में है या नहीं. ठीक है, यानी ये वो चीजें हैं जो आप एप्लीकेशन बनाते वक्त पहले वर्कआउट करेंगे. ठीक है जी, तमाम ऑप्शन को आप पेपर वर्क करेंगे, उन पर लिखेंगे कि पहले ऑप्शन में क्या क्या चीजें चाहिए होंगी. प्रोग्रामिंग आप बाद में करेंगे, प्रोग्रामिंग आप बाद में करेंगे, आप एक एक करके तमाम चीजों को पहले डिटेल में पेपर पे लिखेंगे. ठीक है जी, अगले जब सेमेस्टर में आप जाएंगे तो काफी आपको यूज केसेस, डेटा फ्लो डायग्राम, ERD डायग्राम, बहुत सी चीजों से इंशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिहाज से अब मैं उन चीजों में आपको उलझाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको आपने पढ़ा नहीं होगा. अब उनको मैं डिस्कस करूँ तो बजाय समझने को हो सकता है कि आपको मुश्किलात में इजाफा नजर आए. अच्छा जी, बैलेंस की इंक्वायरी भी हमें करनी पड़ेगी. बैलेंस की इंक्वायरी करते वक्त आप, जाहिर बात है, एक अकाउंट नंबर आप देंगे, अकाउंट से पहले वो चेक किया जाएगा अकाउंट नंबर वैलिड है या नहीं. वैलिड है तो उसके अलावा अगर कोई और चेकिंग उन्होंने करनी है तो उस चेकिंग के बाद फिर आपको बैलेंस की इंक्वायरी का
जो रिजल्ट है वो बताया जाता है। बैलेंस की जो इंक्वायरी होती है उसमें क्या है कि बैलेंस कितने है, ठीक है जी, ये हो सकता है आपको ये पता करना हो कि लास्ट जो ट्रांजेक्शन है कुछ पैसे जमा हुए या कुछ पैसे निकाले गए उसकी भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है जी। इसके अलावा एक आपके पास डिटेल इंक्वायरी होती है बैलेंस की जो ईयरली होगी, जिसमें पूरे साल की इंफॉर्मेशन होती है कि पूरे साल भर में आपने किस वक्त कितने पैसे जमा कराए, कितने पैसे आपने निकाले अपने अकाउंट से, कितने पैसे आपने ट्रांसफर किए, किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप मनी ट्रांसफर कर सके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेम बैंक के, ठीक है जी। अब आजकल तो आपको पता है सारी चीजें ऑनलाइन है, तो बैंक सेम बैंक का ये मतलब नहीं कि सेम आपके लोकेशन सेम हो, भाई ब्रांच कहीं भी हो सकती है, किसी ने किसी और ब्रांच में अकाउंट ओपन किया, किसी ने किसी और ब्रांच में अकाउंट ओपन किया, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सेम बैंक है तो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जमा कर सके। ये तो किसी हद तक डिटेल बैंकिंग एप्लीकेशन है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी डिटेल की बेसिक जो एप्लीकेशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो हम अपने प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सम वेरी बेसिक पैरामीटर बैंकिंग सिस्टम के लिहाज से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हमने जितना कुछ सीखा उसके एक्चुअली क्लासेस में जितनी चीज़ें सीखी उसका एक पोर्शन ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा, पूरी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगी। तो एटलीस्ट लेकिन आपको इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन का टच देना है। तो फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, इसमें आप बैंकिंग सिस्टम कीजिएगा, बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है जी। आपने ये बना दिया, आप बैंकिंग एप्लीकेशन में यहाँ पे न्यू कीजिएगा और न्यू के बाद आप एक क्लास है, क्लास में आप ये क्लिक कीजिएगा और नाम आप सेम रखिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे काफी चीजें ऑटो जनरेटेड हैं, ये सब चीजें आप पहले कर चुके हैं तो उसको दोबारा डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लास है जो बैंकिंग एप्लीकेशन क्लास है, फाइल का नाम भी सेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल नेम और क्लास नेम इज सेम। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास, ठीक है जी, क्लास का नाम बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट क्लास है, ओपन ब्रेसेस है आपके पास, ओपन और क्लोज ब्रेसेस में क्लास है। अब इस क्लास में यहाँ देखिए आपके पास जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इसमें आपके पास मेन मेथड है, तो आपकी जो प्रोग्राम में रन करना है वो सबसे पहले यहाँ के देखना है, ठीक है जी, उसके बाद सारी चीजें। तो बैंक अकाउंट के नाम पे जो हमने क्लास बनाया उस क्लास में हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बैलेंस, अगर मुझे के लिहाज से एक वेरिएबल चाहिए, मुझे कुछ ट्रांजेक्शन के लिहाज से ऐसे एक प्रीवियस ट्रांजेक्शन, मतलब आपने जो पैसे ऐड किए यानी डिपॉजिट किए या आपने विड्रॉ किए उसकी लिहाज से एक प्रीवियस ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मुझे साथ साथ ये कि एक जब मैं कस्टमर या एक अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें दो चीज़ें कम से कम मैं इस वक्त दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, एक तो कस्टमर का नेम है, आप एक अकाउंट ओपन करेंगे तो कस्टमर का नाम तो होना चाहिए, और कस्टमर के नाम के साथ साथ उसके एक आप आईडी भी देंगे, जैसे आपका अकाउंट नंबर जैसे आप कह दीजिएगा कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर जो भी आप समझ लें इसको आप ये दे दें। अच्छा जी, इसके साथ जब भी ये, चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो बहुत सिंपल वे में कर रहे हैं, तो सिंपल वे में कि इस तरह के जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस बैंक अकाउंट का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसी वक्त एक आप कस्टमर क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। जब कस्टमर क्रिएट करेंगे, जब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनते साथ कस्टमर क्रिएट करना, इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर की। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होता है और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन मैं एक कंस्ट्रक्टर अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से बनाना चाहूंगा, तो
मैं एक मेथड लूंगा जिसका नाम सेम होगा, जो कि इस क्लास का नाम है। आपको नजर आ रहा है कि क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमारे पास, चूंकि मैं एक अकाउंट बनाते हूँ, दो चीजें, एक नाम और एक आईडी इनिशियली लेना चाह रहा हूँ। तो मैं नाम के लिहाज से, नाम जाहिर बात है स्ट्रिंग है, तो कस्टमर नेम मैं इसको दे देता हूँ, और उसके बाद स्ट्रिंग में उसकी आईडी है, ठीक है। कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी, ये है कंस्ट्रक्टर। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये दोनों चीजें आप पास करेंगे इस ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे इसको हम देखते हैं, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम जो आप यहाँ पे स्ट्रिंग यानी जो पैरामीटर में आप आर्गुमेंट में पास करेंगे, सी नेम, उसे आपने असाइन करना है कस्टमर नेम में। और स्ट्रिंग आईडी, अब आईडी को आपने कस्टमर की आईडी में पास करना है। अब मैं समझता हूँ अब इतनी आपको नॉलेज हो चुकी है कि इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कि आप जब भी इस बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें दो पैरामीटर पास करेंगे, तो दोनों पैरामीटर, एक उसका नाम होगा कस्टमर का और उसकी आईडी होगी, और उसको आपने असाइन करना है कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी में। कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी ऑलरेडी हम स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन कर चुके, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बैलेंस डिपॉजिट करूँ। जाहिर बात है शुरू में मुझे कुछ अमाउंट अगर डिपॉजिट करने पड़े तो उसके लिए मुझे एक मेथड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मेथड ले रहा हूँ डिपॉजिट। डिपॉजिट एक मेथड है। अच्छा, इसमें मैं अमाउंट को पास करूंगा। जब इस मेथड को कॉल करूंगा तो मेथड को एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी, उस पैरामीटर में मैं अमाउंट पास करूंगा और उस अमाउंट को फिर मैं आगे प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। लेकिन याद कीजिएगा कि अमाउंट शुड बी एटलीस्ट मोर देन जीरो, तो एक चेक लगाना पड़ेगा हमें। अगर अमाउंट जीरो जीरो से यानी जीरो ना हो, आप अमाउंट अगर डिपॉजिट जीरो करेंगे तो उसका कोई माना नहीं होगा। तो अमाउंट जीरो करने का क्या मतलब है, कोई वो नहीं। अच्छा, यहाँ पे एरर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई हमने स्पेलिंग मिस्टेक की। हाँ, ये अमाउंट, ठीक है। इफ अमाउंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डू व्हाट, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए प्रीवियस बैलेंस। अब अगर आपने इसको इनिशियलाइज किया और कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो क्या होना चाहिए, तो जीरो। तो इनिशियली अगर कुछ भी ना हो तो बैलेंस, इनिशियल बैलेंस विल बी जीरो। उसके बाद आप जो अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, दे रहे हैं, उसने इसमें ऐड हो जाना है, ठीक है जी। अब आपकी ट्रांजेक्शन क्या आती है, देखिए अमाउंट आया तो आप पॉजिटिव देंगे यानी आप ऐड कर रहे हैं, अमाउंट आप नेगेटिव देंगे यानी आप विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव मतलब डिपॉजिट, और अगर विड्रॉ कर रहे हैं इसका मतलब है अमाउंट शुड बी नेगेटिव। अच्छा, अगर कस्टमर ये पूछना चाहे कि जो लास्ट या प्रीवियस ट्रांजेक्शन है वो किसके बराबर, वो यही अमाउंट होगी जो आप इस वक्त यहाँ पे दे रहे हैं। आप या तो डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, वट एवर, तो आप लिखेंगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू अमाउंट। ये अमाउंट तो है जो आपने इसको किया हुआ, ठीक है। तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन इज दी अमाउंट, ओके। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया। ये इफ के लिहाज से आपकी ब्रासेस का ख्याल रखिएगा, ये इफ की ब्रासेस हैं, ये आपके पास मेथड के। अब इस मेथड के बाद किसी और मेथड की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हमें मेथड जरूरत पड़ेगी। अब मैं विड्रॉ के लिहाज से एक मेथड बनाना चाहूंगा, ठीक है जी। मैं कुछ निकालना चाह रहा हूँ अपने अकाउंट में से, इसमें जाहिर बात वो अमाउंट मैं जो निकालना चाहता हूँ वो एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास करूंगा, NTA का मसला बार बार आ रहा है, ठीक है जी। तो फिर दोबारा मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि मैं जो विड्रॉ करना चाह रहा हूँ वो कहीं ऐसा ना हो कि बाय मिस्टेक मैं जीरो विड्रॉ करने लगूँ, तो जीरो तो आप विड्रॉ क्या करेंगे, तो उसका कोई माना नहीं कि आप जीरो अमाउंट विड्रॉ करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है जी।
अमाउंट ऑफ विड्रॉ करेंगे अच्छा तो अगर अमाउंट जीरो ना हो तो आपने क्या करना है, आपके पास जो बैलेंस है बैलेंस में आप इस अमाउंट को, चूंकि अमाउंट आप डायरेक्टली आपको पता है कि विड्रॉ ही कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा। किस में से सब्ट्रैक्ट करना होगा? बैलेंस में से। बैलेंस में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो न्यू बैलेंस है उसको आपने अपडेट भी करना है कि बैलेंस होगा, नाउ बैलेंस विल बी इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट। ठीक है, तो अगेन प्रीवियस ट्रांजेक्शन क्या होगी तो आप लिखेंगे, अब चूंकि मैंने विड्रॉ किया ना, विड्रॉ का मतलब क्या होगा, तो अब आप जो अमाउंट है उसको आप नेगेटिव लिखेंगे आप। तो अमाउंट को आपने अब नेगेटिव कर दिया। ठीक है जी, अमाउंट को आपने नेगेटिव कर दिया। तो दो हमने इस वक्त, एक तो हमें कंस्ट्रक्टर में ये बता दिया कि जब भी आप बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो आप एक अकाउंट ही होगा, उस अकाउंट में आप उसके दो पैरामीटर नाम और इस आईडी पास करेंगे। ठीक है जी, साथ साथ फिर मैंने आपसे कहा कि डिपॉजिट के लिहाज से आपने एक छोटा सा मेथड बनाना है, इसमें छोटी सी चेकिंग है, और विड्रॉ के लिहाज से एक छोटा सा मेथड है, उसमें भी सेम है, आपने एक चेकिंग की हुई है। ठीक है जी, कुछ यहाँ पे एरर भी आ रहे हैं, हम इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या, चले हम ये देखते हैं कि मैं अगर ट्रांजेक्शन देखना चाहूँ, एक तरह से इंक्वायरी है कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन सिर्फ मुझे पता करना है, वैसे इंक्वायरी में और बहुत सी चीजें होंगी जो हम इंशाल्लाह आखिर में आपसे कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो आपने लास्ट ट्रांजेक्शन की वो क्या थी, जी आप प्रीवियस ट्रांजेक्शन हो सकता है आपने पॉजिटिव की होगी या हो सकता है आपने नेगेटिव की होगी। ठीक है जी, तो पॉजिटिव की है तो उसका मतलब है आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। नेगेटिव का मतलब है आपने विड्रॉ किया। तो इसी सिंपल से चेक हम लगा देते हैं, प्रीवियस ट्रांजेक्शन अगर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव। तो सिंपली आपने एक छोटा सा डिस्प्ले करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, आपने क्या करना है ये बताना है कि कुछ अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है, और वही अमाउंट होगी जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन है। ठीक है जी, तो यहां तक जरा देखते हैं इसको। अब यहां देखिए, जो मैंने यहां पे लिखा कि अगर प्रीवियस ट्रांजेक्शन इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। तो यहां देखिए, जब मैंने डिपॉजिट किया तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन को जो अमाउंट है इसको मैंने एज इट इज पॉजिटिव ही लिया, बाद में जो है ना दूसरी लाइन में। जब मैंने विड्रॉ किया तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन को मैंने जो अमाउंट, देखिए यहाँ तो आप पॉजिटिव अमाउंट ले रहे हैं, जो आपने पहले पता कि विड्रॉ करना है तो प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रीवियस ट्रांजेक्शन में आपने फिर अमाउंट की वैल्यू को नेगेटिव कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ जब आप ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो आप यही देखते हैं कि जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव इसका मतलब है डिपॉजिट, अगर नेगेटिव है, देखिए पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव लिया ना, और नेगेटिव मीन्स आपने विड्रॉ किया कोई वैल्यू। ठीक है जी, तो सिंपल है और कोई मुश्किल नहीं। इफ के बाद आपने else if previous transaction, अब अगर प्रीवियस ट्रांजेक्शन लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव की वैल्यू से आपको पता चल गया कि आपने क्या किया, कोई वैल्यू उसमें से निकाल लिए, यानी आपने विड्रॉ किया। तो आप लिखेंगे विड्रॉ
अब जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो ऑलरेडी है तो नेगेटिव, लेकिन यहाँ हमने इसको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है तो इसको एब्सोल्यूट बना दिया ताकि वो नेगेटिव जो है ना यहाँ पे आपको नजर ना आए। ठीक है जी। अच्छा ये तो एल्स के बाद, चलिए ब्रैकेट को हम क्लोज करते हैं। एल्स, अच्छा इसके अलावा अगर आपने मेरे को जीरो ना हो तो फिर आपने एग्जैक्टली जीरो हो तो फिर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो हमने डील कर लिया। अगर एग्जैक्ट जीरो हो तो ये जीरो से ग्रेटर और लेसर ना हो, एग्जैक्ट जीरो हो तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या आपको कहना चाहिए कि आपने कोई ट्रांजेक्शन की ही नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये एक छोटी सी बैलेंस की इंक्वायरी के लिहाज से हमने काम किया कि सिर्फ ये बताया कि आपने पैसे कितने जमा कराए आखिरी इसमें, या आपने डिपॉजिट किए या विड्रॉ किए या आपने कुछ कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया अभी तक। ठीक है जी। तो इसको हमने क्लोज कर दिया और इसके बाद इसमें हम आते हैं। अच्छा आप जरा गौर कीजिए, मैंने एक अकाउंट तो बना दिया, अगर मैं इससे बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो अकाउंट तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इनिशियली एक आपके पास इंटरफेस है, एक स्क्रीन है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि उसके मुताबिक फिर आपको आगे चलना पड़ता है। उसे हम नाम देते हैं मीनू का। ठीक है जी, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, मीनू का। तो ये ऐसा किया, इसको हटा दें। अच्छा हो सकता है एक आधा ब्रैकेट का इशू है तो उसको हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसमें हम मीनू को शो करना चाहते हैं। शो मीनू ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि मेथड बना रहा है शो मीनू का। इस शो मीनू के मेथड को मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जहाँ मैंने इसको पहले से बनाया हुआ, ताकि कम से कम वक्त में हम अपना काम कर सकें। तो सो मीनू को हमने यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं, यहाँ तक इसको लेते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए शो मीनू में हमने एक कैरेक्टर ऑप्शन लिया, इसको इनिशियली जीरो कर दिया। स्कैनर, हाँ यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है स्कैनर क्लास का, तो क्या स्कैनर को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट तो करना चाहिए। सबसे पहले आपने स्कैनर को इम्पोर्ट करना है क्योंकि हमें इनपुट लेना है, तो आपने आप बैलेंस वगैरह क्या करते हैं, इनपुट देते हैं ना। ठीक है जी, स्कैनर क्लास को हमने इम्पोर्ट कर दिया ताकि इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बना सके। ठीक है जी, स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब नाम स्कैनर लिख दिया या कुछ और लिख दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड इनपुट आप कीबोर्ड से ले रहे हैं। अच्छा तो एक वेलकम मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि वेलकम कस्टमर नेम और ये योर आईडी इज दिस, ये आपने एक वेलकम मैसेज दे दिया पहले। फिर आपने कुछ ऑप्शन दे दिए कि अगर आप सी लिखेंगे इसका मतलब है आप चेक योर बैलेंस करना चाह रहे हैं, डी का मतलब है कुछ डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, W का मतलब है आप विड्रॉ करेंगे, अच्छा जी T का मतलब है आप प्रीवियस ट्रांजेक्शन को देखना चाह रहे हैं, E का मतलब है आप सिस्टम में से प्रोग्राम में से एग्जिट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आप चाह रहे हैं कि प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाए। तो ये एक मेनू, जब भी आप शो मेनू को कॉल करेंगे, एक सिंपल आपके पास मेथड है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें इसके आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब आप एक ऑप्शन, अब जैसे आपने सी सेलेक्ट किया या डी सेलेक्ट किया या डब्ल्यू या टी या ई, तो उस पर क्या होना चाहिए, तो उसके लिहाज से हम एक लूप लगाते हैं, डू वाइल का लूप। ठीक है जी, तो डू वाइल का लूप को मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो डू वाइल का लूप मैंने लिया। ठीक है, डू यानी इनिशियली आपने कुछ करना तो है, ये डू वाला आप जानते हैं कि इतने एक दफा तो रन होना ही होना है। ठीक है जी, एक दफा रन होना है तो आपने पहले तो एक
इंटरफेस दिखाया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस नहीं, बल्कि आप पे ये सिंपल इंटरफेस है, इसमें कोई ग्राफिक्स का अमल दखल नहीं है। तो आप भी अपने जो प्रोजेक्ट में उसी तरह काम कीजिएगा। ग्राफिक्स क्योंकि हमने डिस्कस भी नहीं किया, आपके पास स्विंग वगैरह क्लासेस को हमने डिस्कस नहीं किया, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना था, जो कि हमने काफ़ी हद तक कर दिया। आपने एक छोटा सा मीनू अपने लिहाज से एक लाइन ड्रॉ की, जैसे इस लाइन से आप क्या करेंगे, सिंपल ये लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपने एक सिंपल सा टेक्स्ट इंटर योर ऑप्शन, फिर एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो आप एक थोड़ा सा, अब स्कैनर क्लास का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है ना, यहाँ पे नाम भी हमने इसका स्कैनर लग दिया, कोई इशू नहीं है। तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से आप इनपुट ले रहे हैं और कीबोर्ड के पहले कैरेक्टर को ले रहे हैं, ठीक है जी। तो डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट जीरो, और उसको आप किस में सेव कर रहे हैं, ऑप्शन वेरिएबल में। किस वेरिएबल में, ऑप्शन में। अब सिंपल आपने स्विच केस को करना है। ये स्विच केस है वही है जो आप जावा में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने इसको काफी डिस्कस किया, और ये चीज सेम एज सी में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो स्विच ऑप्शन, अब ऑप्शन चूंकि आपने यूजर को बता दिया, या सी हो सकता है, या डी, या डब्ल्यू, या टी, या ई, तो इनमें से कोई एक आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे आपने सी किया, तो इसने यहाँ पे आना है, इस केस को एग्जीक्यूट करना है, पहले प्रिंट करना है, एक लाइन आप प्रिंट करेंगे, फिर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बैलेंस इक्वल बैलेंस, जो बैलेंस की वैल्यू होगी आपने इसको डिस्प्ले करना है। अगर कुछ नहीं है तो जीरो, फिर लाइन और ब्रेक, ठीक है जी। अच्छा, ये एक वक्त में चूंकि आप एक ही काम करेंगे, तो उसके बाद इसमें ब्रेक हो जाना। तो ये आपके पास सिंपल ऑप्शन है, आपने इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा, उसके लिहाज से उसका केस रन होगा। अब अगले केस पे आते हैं। हो सकता है आपने कुछ डिपॉजिट करने के लिहाज से काम करना है, तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। आपने केस डी, यानी आपने डी प्रिंट किया, या कीबोर्ड से आपने डी लिया, तो ये केस आपको रन होगा। पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप सिंपल, फिर इंटर अमाउंट ऑफ टू डिपॉजिट ये आप डिस्प्ले करेंगे, और कुछ इसके बाद आपने कुछ काम करना है। जो अमाउंट है, क्योंकि आप कीबोर्ड से अमाउंट इंटर कर रहे हैं, ठीक है जी, तो कीबोर्ड से इंटर करने के लिए आप स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट स्कैनर को आप लेंगे, इसका नाम भी हमने स्कैनर लिखा, ठीक है जी। और इसका मेथड है नेक्स्ट डॉट इनिट। अब जो भी लिखेंगे उसमें इसको इनपुट को लेना है और अमाउंट वेरिएबल में सेव करना है। अमाउंट वेरिएबल में वैल्यू आपने सेव कर ली, 500, 200, 300, वॉट एवर। उसके बाद आपने डिपॉजिट नामी एक मेथड को कॉल किया। अब डिपॉजिट मेथड में आपने अमाउंट को की वैल्यू को पास किया। अब डिपॉजिट मेथड को हम देखते हैं, डिपॉजिट मेथड में हमने क्या किया था, ये देखें, डिपॉजिट आपके पास ये है। जब इसको आप कॉल करें, कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं इसका, ठीक है। वॉइड, जो अमाउंट आप यहाँ पे पास करें, उस अमाउंट को सबसे पहले से चेक करें कि जीरो है या नहीं, ठीक है। जीरो नहीं है तो ओके, तो बैलेंस विल बी इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट, उस अमाउंट को आप बैलेंस में ऐड करेंगे, ठीक है जी। और प्रीवियस ट्रांजेक्शन जो आपका वेरिएबल है, उसमें इस अमाउंट को सेव कर देंगे, ठीक है जी। तो आपने सिंपली डिपॉजिट मेथड को कॉल किया जब आपका ऑप्शन सिलेक्ट किया गया था डी। उसके बाद आपने अगली लाइन पे चले जाना है, फिर ब्रेक करना है, ठीक है। इस पे कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। अब आप डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते थे, तो डब्ल्यू के लिहाज से भी हम जरा डिस्कस करते हैं। डब्ल्यू क्या है, विड्रॉल। डब्ल्यू क्या है, वो केस है जिसमें आप कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ पैसे आप निकालना चाहते हैं अपने अकाउंट में से। तो सिंपली उसी तरह एक डिस्प्ले करना, एक लाइन आपको डिस्प्ले करेंगे, फिर आप करेंगे इंटर एन अमाउंट टू विड्रॉ, और उसके बाद आपका सिस्टम इंतजार करेगा कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को, और इस मेथड नेक्स्ट, क्योंकि वैल्यू आपके पास इंटीजर वैल्यू है, तो उसको आप लेंगे और उसके बाद उसको इस वेरिएबल अमाउंट टू में सेव करेंगे। अमाउंट टू में आप सेव करने के बाद फिर डिपॉजिट मेथड को कॉल करेंगे। डिपॉजिट मेथड में जो अमाउंट टू की वैल्यू है वो आप पास करेंगे। अब इस अमाउंट टू और अमाउंट में आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आपने डिपॉजिट मेथड को कॉल करना है, उसमें एक वैल्यू जो इंटीजर टाइप की उसको आपने पास करना है, तो आपने ये करना है। तो बिल्कुल इसी तरह, तो इसमें डिपॉजिट अमाउंट आपने किए,
इसमें डिपॉजिट तो नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे विड्रॉ करना चाहिए, शायद कॉपी पेस्ट में कुछ मसला हुआ होगा, तो इसमें आप विड्रॉ ही करेंगे ना, जाहिर बात है जो अमाउंट है वो विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ के मेथड को हम देखते हैं, विड्रॉ मेथड में हमने क्या किया है। ठीक है जी, विड्रॉ मेथड को ज़रा सा देखते हैं। जो अमाउंट आप पास करेंगे तो उस अमाउंट को आपने पहले चेक करना है वो जीरो तो नहीं है, क्योंकि आपने विड्रॉ जीरो करना तो उसके कोई माना नहीं बनते हैं। आप बैलेंस में से उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बैलेंस को अपडेट भी कर देंगे। प्रीवियस ट्रांजेक्शन में आप उसी अमाउंट को लेंगे जिसको आपने अभी पास किया, लेकिन आप उसको आपने नेगेटिव लेना है। इसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो नाउ ट्रांजेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ तक तो अलहमदिल्ला हो गया हमारा काम। अब हम चाह रहे हैं कुछ और ऑप्शन, ट्रांजेक्शन। तो लास्ट ट्रांजेक्शन को और एग्जिट को और इस पूरे के पूरे पोर्शन को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है जी, नाउ कंट्रोल पी, नाउ व्हाट्स द पोजीशन। हमने विड्रॉ को डिस्कस किया, केस टीटी फॉर प्रीवियस ट्रांजेक्शन। आप ये चाह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन प्रीवियस क्या है, बस। तो जब भी हम डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन को की वैल्यू को हम ले लेते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपके पास है आप ले लेते हैं। तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन का आपने एक मेथड बनाया हुआ है, गेट प्रीवियस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे जब ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे टी, तो इस मेथड की मदद से आपने ट्रांजेक्शन को शो करना है। अब देखते हैं कि ट्रांजेक्शन को शो करने के लिहाज से जो मेथड हमने बनाया उसमें हम कैसे काम कर रहे हैं। देखें, दो ऑप्शन है आपके पास, डिपॉजिट और विदड्रॉ। फिलहाल वक्त हमारे पास सिर्फ इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। जब डिपॉजिट करते हैं तो ट्रांजेक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव अमाउंट में लेते हैं और विदड्रॉ में नेगेटिव। आपने सिर्फ ये चेक करना है यहाँ पे। तो गेट प्रीवियस ट्रांजेक्शन में आपने प्रीवियस ट्रांजेक्शन को चेक करना है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे आपने इसी चीज को चेक करना है। ग्रेटर देन जीरो तो आप कहेंगे डिपॉजिटेड, आपके पास जो वैल्यू वो आप लिख देंगे। और अगर प्रीवियस ट्रांजेक्शन नेगेटिव है तो आप करेंगे विड्रॉ, और आपको विड्रॉ कर लिखने के बाद नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आपने प्रीवियस ट्रांजेक्शन के बजाय उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिख दिया, इसलिए हमने मैथ के एक फंक्शन को यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फिर प्रीवियस ट्रांजेक्शन चूंकि नेगेटिव है, लेकिन हमने यहाँ विड्रॉ लिखा तो नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, और अगर वैल्यू जीरो है, आपने डिपॉजिट या विड्रॉ जीरो किए, तो यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन को डिस्प्ले आप करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमने इस प्रोग्राम को डिस्कस किया। जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है वो है एग्जिट करने का प्रोग्राम से। प्रोग्राम से आप एग्जिट करेंगे तो उसी तरह आपने एक इस केस के लिहाज से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद थैंक फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, उसके बाद ब्रेक करना। अच्छा, ऑप्शन आपके पास जितने थे सी डी डब्ल्यू टी, इसके अलावा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया कीबोर्ड से, तो उसको भी हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट यानी इन ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन है तो क्या आप केस के लिहाज से क्या लेंगे। तो वो तमाम केसेस तो होंगे नहीं, तो फिर डिफॉल्ट ऑप्शन को हम करेंगे कि इनवैलिड ऑप्शन, इंटर करेक्ट ऑप्शन, ब्रेक। अच्छा, ये काम जब तक होता रहेगा जब तक आपका जो ऑप्शन है वो ई के बराबर ना हो। तो डू वाइल में हमने यहाँ पे लिखा कि ऑप्शन अगर ये है तो फिर आप सिस्टम से एग्जिट करेंगे, ठीक है जी, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम जरा देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। हाँ यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, इसको एरर को रिमूव। तो हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, हमने सारी चीजें तो की हैं, मेन में आके हमने करना क्या है, ये तो हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया। तो मेन में सबसे पहले आप आएंगे, आपको जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट आप तो बनाएंगे ना, नया अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट में आप नाम बताएंगे कि चले यहाँ पे हम आते हैं पहले बैंक अकाउंट, लेकिन ना बैंक एक बैंक अकाउंट क्लास है, तो बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, उसको हमने ऑब्जेक्ट ही नाम दिया, कोई इशू नहीं। इसमें न्यू बैंक अकाउंट, हाँ हाँ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ हमने चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा।
PVSUL तो पैरामीटर है हमारे पास, एक पैरामीटर कस्टमर नेम है, इसको हमने इसको BBSUL लिए, और एक है कस्टमर की आईडी, इसको हमने BB001 क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है तो उसको हमने डबल कोट में ले लिया। अब बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब भी बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपने उसमें दो पैरामीटर को पास करना, ठीक है जी, एक कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी। तो कस्टमर नेम हमने यहाँ पे BBSU लिया और कस्टमर की आईडी है वो BB001, ठीक है जी। अब ये तो आपने ऑब्जेक्ट किया, अब आप जो अपने मेन्यू बनाया उसको तो आपने शो करना, और मेन्यू है बैंक अकाउंट का, तो बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट की मदद से आप उस शो मेन्यू के मेथड को कॉल करें, ठीक है जी। तो आपने शो मेन्यू के ऑब्जेक्ट को उसको मेथड को कॉल किया, तो यहाँ पे आके हम जरा देखते हैं इसको कि रन करते हैं। तो रन करके हमने देखा, तो देखते हैं आउटपुट में क्या चीजें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके पास। जो मेन्यू है वेलकम BBSUL और योर आई डी इज दिस, ये आपके पास एक वेलकम मेथड था, मैसेज था वो आ गया, और जब आपने मेन्यू मेथड को कॉल किया तो उसमें वेलकम के साथ साथ आपने ऑप्शन भी बता दी कि आप सी डी डब्ल्यू टी और ई करेंगे, सी चेक योर बैलेंस, फिर चेक योर बैलेंस, सी हमने प्रेस किया और इंटर। अब चूंकि इनिशियली बैलेंस है ही नहीं हमारे पास तो बैलेंस इज जीरो। अच्छा जी, हम कुछ डिपॉजिट करना चाहें तो डी हमने प्रेस किया, इंटर अमाउंट टू डिपॉजिट 3900, ठीक है जी। अब ऑप्शन हम बैलेंस का दोबारा देखते हैं, तो इनवैलिड ऑप्शन, तो बैलेंस के लिहाज से हमने कौन सा ऑप्शन लिया था देखते हैं, चेक चेक योर बैलेंस, चेक योर बैलेंस, तो चेक में आप देखिए बैलेंस आपके पास, तो अब देखिए चेक किया हमने बैलेंस, अब विड्रॉ करना चाहते हैं डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो डिपॉजिट के लिए ऑप्शन क्या था हमारे पास देखते हैं डी। अब याद रखिएगा ये आपके पास बैलेंस है, अब इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं कुछ अमाउंट डी अमाउंट, चलें आसान है इसमें हम 10,000 ऐड करते हैं। अब दोबारा हमने चेक आवर, अब देखिएगा इसमें आपके ऑप्शन के लिहाज से इसने बैलेंस को दे दिया। अब ट्रांजेक्शन आप देखना चाह रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो आपके पास आपने इतनी अमाउंट डिपॉजिट की है, तो आप इस एप्लीकेशन को बनाइएगा रन कीजिएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम भी आएंगे उनको आप फेस कीजिएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो उसके बाद आप इसी बैंकिंग सिस्टम को और ज़्यादा एडवांस करेंगे। तो मैं दुआ कीजिए कि मुझे कुछ वक्त मिल जाए तो मैं इसको ज़्यादा आपको और डिस्कशन के साथ आपसे डिटेल डिस्कस करूँ कि इसको आप मज़ीद आप कैसे अपडेट करेंगे। ये एक सैम्पल है कि आप अपने प्रोजेक्ट पर कैसे काम शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो पहले आपने अपने प्रोजेक्ट को ये देखना कि इसमें करना क्या चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपके कैसे कैसे ऑप्शन है, उन ऑप्शन में किन किन पैरामीटर की वेरिएबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किन किन मेथड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपने ये सारा काम पेपर पे करना है, सारा काम किस पे करना है, पेपर पे करना है, उसके बाद आप बैठेंगे और प्रोग्रामिंग करना शुरू कीजिएगा। ग्राफिक्स कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ग्राफिक्स बेहतर अच्छी चीज़ है कि आप जब आप आगे प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ग्राफिक्स में स्विंग क्लास को समझना और उसको इस्तेमाल करना इतना बड़ा इशू नहीं, मैंने उस पर टाइम नहीं दिया ना ही आपको कोई क्लास ली है, तो वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमारी इस सब्जेक्ट के लिहाज से, कोर्स के लिहाज से। अब यहाँ पे जो बैलेंस है, हमने सिर्फ चार पैरामीटर को लेके काम नहीं किया कि आप बैलेंस है, प्रीवियस ट्रांजेक्शन है, कस्टमर नेम आईडी। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कस्टमर नेम और आईडी तो हमने यहाँ पे फिक्स किया, लेकिन क्या जगह फिक्स करना ये मुनासिब है, नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है। तो आपका सिस्टम ऐसा होगा कि वो जब कोई अकाउंट, ये तो हमने हार्ड कोड करके अकाउंट को क्रिएट किया, ये ऑप्शन सीखने के लिहाज से इब्तिदा है। अब आपने हार्ड कोड, आप एक और अकाउंट के लिए दोबारा क्या जावा की प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, नहीं ऐसा मुनासिब नहीं है। उसके लिए आपको प्रोग्राम ही ऐसा होना चाहिए कि आप मेनू में एक क्रिएट अकाउंट का इजाफा कीजिए ऑप्शन का, और उसकी मदद से आप फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करेंगे, और ऑब्जेक्ट की मदद से आपने उसकी
नाम और आईडी ऐड करेंगे। अब सीएनआईसी के लिहाज से भी आप काम कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैंने आपकी बेसिक के लिहाज से थोड़ा सा काम करके आपको दे दिया, आप इसी तरह काम कीजिएगा और अपने काम को आगे ले जाइएगा। लेकिन याद रहिए, आपने ऊप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, प्रोसीजर लैंग्वेज जो आपने सी में इस तरह आपने काम किया वैसे नहीं करना है। अब यहाँ देखिए, कोई इतना बड़ा इश्यू है भी नहीं, कहीं आपको अपने क्लास है, ऑब्जेक्ट है, मेथड है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें, इनको इस्तेमाल करना, कहीं ओवर लोडिंग है, कहीं ओवर राइडिंग है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब स्कोप ऑफ द वेरिएबल के लिहाज से भी है, मैंने काफ़ी डिस्कशन की, उसको भी आपने देखना होगा। तो होपफुली किसी हद तक स्टार्टिंग के लिहाज से आपको इससे लेक्चर से मदद मिलेगी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी परेशानियों में किसी हद तक कमी आ गई होगी। तो यहाँ तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।